आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन है, राइट द ड्यूल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। मिनिमम जेड इक्वल टू 3x1 + x2 सब्जेक्ट टू x1 + x2 > 1, 2x1 + 3x2 > 2, x1 and x2 > 0 है। फिर ये क्वेश्चन हमारे पास राजस्थान यूनिवर्सिटी 2006, 2009, 2008, 2010 में आया है, उदयपुर में 2007 में आया, बीकानेर यूनिवर्सिटी में आया 2008 और 2009 में। फिर सब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हमें ड्यूअलिटी चेंज करते हैं। तो ड्यूअलिटी चेंज करने के लिए क्या करना होगा, ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम में चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम जेड डी। फिर मिनिमम है तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, मिनिमम एंड ग्रेटर देन इक्वल का साइन, ये ध्यान रखना है हमें, मिनिमम एंड ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अगर मैक्सिमम जेड हो तो लेस देन इक्वल का साइन होना चाहिए, तब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है क्योंकि हम यहाँ पर मिनिमम है या ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम होता और यही होता, तो सबसे पहले इसको मिनिमम में चेंज करते, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते। अब यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आ जाएगा मैक्सिमम जेड डी इक्वल टू यहाँ से 1 ω1 + 2 ω2 सब्जेक्ट टू, जो कंडीशन आएंगी वो यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से आएंगी ω1 + यहाँ से 2 ω2, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन तो लेस देन इक्वल टू 3 ये, एंड ω1 + 3 ω2 लेस देन इक्वल टू 1। फिर ये हमने चेंज कर लिया है, जहाँ पे ω1 and ω2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स यहाँ इसी को हमने पुरानी वीडियो में, जो हमारे पहले जो वीडियो में थे उसमें हमने समझाया कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम ड्यूअलिटी चेंज करते हैं, वहाँ पे हमने इसको और भी समझाया, आप वहाँ पे देख सकते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड द्वारा सॉल्व करना है इसको। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें बेसिस बनाना होगा, तो ये इनइक्वालिटी को हमें इक्वालिटी में चेंज करना होगा। तो ये तो हो जाएगा मैक्सिमम जेड इक्वल टू ω1 + 2 ω2 सब्जेक्ट टू ये ω1 + 2 ω2 + ω3। ω3 फ्रेंड्स यहाँ पे कोई एक स्लैक वेरिएबल है, इक्वल टू 1 एंड ω1 + 2 ω2 + 0 ω3 + ω4 दूसरा स्लैक वेरिएबल है, ω4 = 1। यहाँ पे सॉरी ये 3 था और ये 1 था। फ्रेंड्स यहाँ पे ω1 ω2 ω3 ω1 ω2 ω3 ω4 सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब फिर ये आ गया हमारे पास, तो हम यहाँ पे ए देखते हैं, इसमें जो गुणांक मैट्रिक्स है वो निकालते हैं। तो ए बराबर क्या आएगा अपने पास, 1 2 1 0 1 2 0 1। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसको हम लिखें α1 α2 α3 α4 के रूप में लिखें, तो यहाँ पे α3 और α4 वाले कॉलम, α3 और α4 ये दोनों हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो हमारे पास जो बेसिस होगा वो α3 और α4 हो जाएगा। अब हम पहली सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिखते हैं CV कॉस्ट वैल्यू, B बेसिस के जो एलिमेंट होते हैं वो जो एलिमेंट बनाते हैं ω B and B और यहाँ पे CJ। यहाँ पर इसमें हमारे पास ω1 ω2 ω3 ω1 ω2 ω3 ω4 और सीधे जो कॉस्ट वैल्यू है वो है अपने पास 1 2 तो 1 2
टू एंड इसके लिए 0-0। अब फिर से जो हमारे पास बेसिस है वो अल्फा थ्री एंड अल्फा फोर बना रहे हैं, तो अल्फा थ्री अल्फा फोर उसके लिए किसके करस्पॉन्डिंग है, वो ओमेगा थ्री एंड ओमेगा फोर के, तो ओमेगा थ्री ओमेगा फोर। कॉस्ट वैल्यू क्या है उनकी दोनों की, जीरो एंड जीरो, तो जीरो जीरो। यहाँ पे बी की है, बी क्या है यहाँ पे, बी जो है थ्री एंड वन, तो थ्री वन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा इसी के अकॉर्डिंग, ये मैट्रिक्स आ जाएगा पूरा, तो वन वन टू। फिर यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, यहाँ पे थ्री था तो ये थ्री आएगा, थ्री। फिर वन वन टू, यहाँ पे हमने मिस्टेक की थी वो थी थ्री, यहाँ पे भी थ्री आएगा तो ये थ्री, सॉरी वन जीरो जीरो वन, ये आ चुका है फ्रेंड्स हमारे पास। ये पहली सिंपलेक्स टेबल आ चुकी है, अब इसमें हम निकालते हैं जेड जे माइनस सी जे। फ्रेंड्स जेड जे माइनस सी जे क्या होता है, वो होता है सी बी एक्स बी माइनस सी जे। सी बी एक्स बी यहाँ पर जो कॉस्ट वैल्यू जीरो, और एक्स बी क्या होता है जो एलिमेंटों का एलिमेंट होते हैं इनके मल्टीप्लाई, तो जीरो इंटू वन प्लस जीरो इंटू वन, तो ये जीरो हो गए दोनों बार जीरो हो गया, माइनस वन तो ये हो गया माइनस वन। इसी तरह जीरो इंटू टू प्लस जीरो इंटू थ्री माइनस टू, माइनस टू ये हो गया जीरो जीरो। अब फिर जेड जे एंड माइनस सी जे में सबसे नेगेटिव कौन सा, सबसे मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम देखते हैं हम, मिनिमम जेड जे माइनस सी जे बराबर है माइनस टू। तो माइनस टू कौन सा है, ये अल्फा टू से रिलेटेड, तो अल्फा टू जो होगा अपने पास एंट्रिंग वेक्टर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे निकालते हैं हम अल्फा, जब ये हमारे पास एंट्रिंग वेक्टर हमने निकाल लिया, तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमें निकालना है एक्स बी आई अपॉन वाई आई जे। फ्रेंड्स एक्स बी आई अपॉन वाई आई जे क्या होता है, एक्स बी आई जो वैल्यू होती है एक्स बी आई थ्री, और वाई आई जे यहाँ पे वाई टू जे निकालना है हमें, क्योंकि टू सेकेंड एलिमेंट है ये, सॉरी जे टू, इस कॉलम के कॉलम वाइज निकालने, तो थ्री अपॉन टू ये हो जाएगा थ्री बाई टू, ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं मिनिमम कौन सा है, इन दोनों में मिनिमम देखते हैं थ्री बाई टू और वन बाई थ्री में, तो मिनिमम अपने पास वन बाई थ्री, ये सब मिनिमम है, तो ये जो होगा लिविंग वेक्टर हो जाएगा, अल्फा ओमेगा फोर वाला जो होगा वेक्टर लिविंग वेक्टर हो जाएगा। अब फ्रेंड हम थर्ड सेकेंड सिंपलेक्स टेबल में आते हैं, सेकेंड सिंपलेक्स टेबल, तो उसका प्रारूप यही होगा अपने पास, सी बी बी ओमेगा बी बी सी जे। ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री ओमेगा फोर, वन टू जीरो जीरो, ये फिर इसी के अकॉर्डिंग है अपने पास। अब यहाँ पे हमने देखा जो अल्फा टू था वो एंट्रिंग वेक्टर था, और अल्फा फोर था वो लिविंग वेक्टर था, तो लिविंग ये तो अपने पास जीरो, क्योंकि अल्फा थ्री तो इसमें है ही, ओमेगा थ्री पे कोई इस तरह यहाँ पे जो एंट्रिंग वेक्टर था वो था अल्फा टू, अल्फा फोर की जगह अल्फा टू आएगा, तो अल्फा टू, अल्फा टू की वैल्यू क्या है, कॉस्ट वैल्यू क्या है टू, तो ये टू ओमेगा टू। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है हमारे पास यहाँ को इसको वन बनाना होता है, तो इसको वन बनाने के लिए हमें दोनों तरफ पूरी रो में थ्री से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री, या हो जाएगा वन अपॉन थ्री, ये वन जीरो वन, ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमारा जो काम होता है वो होता है इसको हमें जीरो बनाना होता है, तो इसमें हम दो का मल्टीप्लाई करके इस रो में से अगर इसको घटा दें तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। फिर हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसा करने पे हम जब इसको जीरो बना रहे होते हैं यहाँ पे, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो फिजिबिलिटी कंडीशन है यानी कि थ्री एंड वन ये पॉजिटिव होने चाहिए, अगर नेगेटिव है तो हमें दूसरी तरह से उसका जीरो बनाना होगा। तो इसको जीरो बनाने के लिए इसमें सिंपली दो का मल्टीप्लाई करना है हमें, और फर्स्ट रो में से घटा देना है, तो इसमें दो का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री, और थ्री में से टू बाई थ्री माइनस करना है, तो फिर से हो जाएगा सेवन बाई थ्री। इसी तरह टू बाई थ्री, वन माइनस टू बाई थ्री,
ये हो जाएगा 1/3, ये 0 1, एंड ये हो जाएगा अपने पास फ्रेंड्स, ये सॉरी ये 1/3 था, तो ये हो जाएगा अपने पास -2/3। अब ये हो गया। अब फ्रेंड्स हम फिर से जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं। अब जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं, तो जेड जे माइनस सी जे क्या होता है, सी बी एक्स बी, सी बी एक्स बी माइनस सी जे। तो सी बी एक्स बी 0 × 1/3, 2 × 1/3 -1, तो 2 × 1/3 हो जाएगा 2/3, -1 क्या तो हो जाएगा -1/3। इसी तरह 0 × 0, 0 हो जाएगा 2 × 1 -2, ये 0। इस तरह यहाँ पे क्या, तो 0 × 1 0, 2 × 0 0, तो ये 0। इधर यहाँ पे क्या, तो ये 0 हो जाएगा, 2 × 1/3 तो 2/3, -0 तो 2/3 रहेगा। ये हो गया हमारे पास। अब फिर निकालते हैं, पहले देखते हैं सबसे पहले कि इसमें लीविंग वेक्टर को एंट्री वेक्टर कौन सा है जो सबसे नेगेटिव होगा, मिनिमम जेड जे माइनस सी जे देखते हैं हम। तो मिनिमम जेड जे माइनस सी जे क्या है, -1/3, तो ये होगा हमारे पास अल्फा वन जो होगा, अल्फा वन जो होगा वो एंट्री वेक्टर होगा, अल्फा वन एंट्री वेक्टर। अब देखते हैं फ्रेंड्स जो लीविंग वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, उसके लिए हमें निकालना होता है एक्स बी आई माइनस वाई आई जे, या इसको हम बोल सकते हैं बी अपॉन वाई आई जे। तो बी अपॉन वाई जे, वाई आई जे इसी के अकॉर्डिंग ले रहा है, क्योंकि अल्फा वन हमारे पास लिविंग वेक्टर है, सॉरी एंट्रिंग वेक्टर है। तो एंट्रिंग वेक्टर यहाँ पे 7/3 डिवाइडेड बाई 1/3, तो ये हो जाएगा अपने पास 7/3 डिवाइडेड बाई 1/3 7। इसी तरह 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3, ये हो जाएगा 1। ये हो गया फ्रेंड्स 1। तो अब देखते हैं इसमें मिनिमम कौन सा है, मिनिमम ये है हमारे पास, जो कि हमारे पास ओमेगा 2 अल्फा 2 से रिलेटेड है, तो अल्फा 2 जो होगा वो लिविंग वेक्टर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये अल्फा 2 लिविंग वेक्टर हो गया। तो फिर हमें फिर से हमें सिंपलेक्स टेबल बनानी है। थर्ड सिंपलेक्स टेबल फ्रेंड्स उसको बनाते हैं, तो प्रारूप वही होगा सी बी बी ओमेगा बी बी सी जे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 1 2 0 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास देखते हैं अल्फा 3 हमारे पास इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो अल्फा 3 रहेगा, ओमेगा 3 रहेगा और ये 0। लेकिन अल्फा 2 की जगह हमारे पास अल्फा 1 एंटर कर रहा है, तो ये हो जाएगा अल्फा 1 ओमेगा 1, और हमारे जो मेन लच होता है वो होता है इसको हमें 1 बनाना होता है, तो 1/3 से यहाँ तो इसकी कॉस्ट वैल्यू होगी जो 1 हो जाएगी। अब हमारा जो लच होता है यहाँ पे 1 बनाना होता है, तो इसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस रो में हमें 1/3 से डिवाइड करना होगा, तो 1/3 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा अपने पास 1। 1/3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा अपने पास 1, ये हो जाएगा 3 0 1। अब फ्रेंड्स हमारा काम होता है इसको 0 बनाना। अब हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमें 1/3 का डिवाइड करना होगा, पहले 0 बनाने 1/3 का डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 1/3, फिर 7/3 में से -1/3 करें तो पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमें इस रो में हमें 1/3 का डिवाइड करना है, इस रो में डिवाइड बाई 1/3, उसके बाद इसमें से हमें माइनस करना है इसको, तो ये हो जाएगा 7/3 -1/3 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा, ये 1 एंड -1। फिर से हम जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं, इसमें जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं, तो 0 × 0 तो 0 हो जाएगा, 1 × 1 -1 0, 1 × 3 -2 1, यहाँ पे 0 × 1 0 रहेगा, 1 × 0 0 रहेगा, ये 0, 0 × -1 0 रहेगा, 1 × 1 1 रहेगा। अब फ्रेंड्स सभी जेड जे, चूँकि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे,
हैं अपने सभी जेड से माइनस सी से हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैं, तो सो टेबल इज ऑप्टिमल। अब फ्रेंड्स टेबल अपनी जो ऑप्टिमल आ चुकी है तो इसका सॉल्यूशन हो गया अपने पास ओमेगा वन बराबर वन एंड ओमेगा टू बराबर जीरो। ओमेगा थ्री और ओमेगा फोर की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मैक्सिमम जेड निकाल रहे हैं उसमें हमारे पास यही कोफिशिएंट ओनली सॉरी मैक्सिमम जेड निकाल रहे हैं तो ओमेगा वन प्लस टू ओमेगा टू ये हो गया ओमेगा वन प्लस टू ओमेगा टू। तो ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा वन इक्वल टू वन प्लस जीरो इक्वल टू वन। फ्रेंड्स ये हमारे पास आ चुका है वन और हमें हमारे पास जो जो प्रॉब्लम थी वो थी मिनिमम जेड इक्वल टू थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू। तो मिनिमम जेड ये तो मिनिमम जेड ओमेगा था ये हमारे पास आया था मिनिमम जेड डी जो ड्वेल का आया था वो आया था मिनिमम जेड ओमेगा बराबर क्या होगा जो ये अपने पास दोनों में ऑप्टिमल हमने ड्वेल्टी से इसको ऑप्टिमल निकाला है तो मिनिमम जेड ओमेगा बराबर भी वन होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।